Vol-123 mm कैप्सूल जो कि बनाया जाता है फार्मेड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाए जाते हैं। ये 10 कैप्सूल का या 15 कैप्सूल का पूरा स्ट्रिप रहता है, जिसका MRP की बात करूँ तो इसका MRP 202 रुपये रहता है। ये टेबलेट जो कि यूज़ होती है, बहुत सारे केसेस में इसको यूज़ किया जाता है, तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का, और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, ताकि आपको Vol-123 mm टेबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। Vol-123 mm कैप्सूल जो कि बनाई जाती है फार्मेड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है, 202 रुपये का 10 टेबलेट का यह पूरा स्ट्रिप रहता है, जो कि इसके अंदर कंटेंट की बात करो तो एल मिथाइल फोलेट कैल्शियम मिथाइल क्लोबामाइंस एंड पाइरिडोक्सिन 5-फॉस्फेट एंड डेक्सोहेक्सेनिक एसिड जिसको DHA बोला जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं। Vol-123 mm कैप्सूल जो कि बनाई जाती है और रिकमेंडेड करी जाती है प्री कॉन्सेप्शन में इसको यूज़ की जाती है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसको यूज़ की जाती है। मिथाइल क्लोबामाइन जो कि विटामिन B12 के नाम से जाना जाता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग रखते हैं नर्व सिस्टम को, और मिथाइल क्लोबामाइन जो कि विटामिन B12 से जो कि क्या करते हैं कि नर्व और ब्लड सेल्स को हेल्दी रखते हो और DNA को अच्छे से रखते हो और जेनेटिक्स मटेरियल्स सेल्स को अच्छे से रखते हैं। पाइरिडोक्सिन जिसके अंदर जो कि मेंटेन करके रखता है हेल्थ को और नर्व्स को और स्किन को और रेड ब्लड सेल्स को। कैल्शियम इसके अंदर डाला गया है, जो कि एक एसेंशियल बॉडी मिनरल्स है, जो कि एडुकेट सप्लाई करता है कैल्शियम टू बोन्स को, जिससे क्या होता है बोन स्ट्रांग बनते हैं और टूटते नहीं है। और डेक्सोहेक्सेनिक एसिड जिसको DHA बोला जाता है, जो कि एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि क्या करता है कि ब्रेन और विजुअल डेवलपमेंट करता है और बेबी के इम्प्रूव करता है ग्रोथ को और ब्रेन्स को बेबी के। तो इसको डॉक्टर की सलाह से लिया जाता है, डॉक्टर जितना डोज वो जो ड्यूरेशन बोलते हैं उतना दिया जाता है और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखा जाता है। तो इस कैप्सूल के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ED दिया गया उसको पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।